नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आइसोलेशन डिस्टेंस की ट्रिक। ठीक है, जो डिफरेंट क्रॉप की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है फाउंडेशन सीड के लिए और सर्टिफाइड सीड के लिए अलग अलग होती है, तो उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। और फिर आज के बाद कभी भी आपको इतनी क्रॉप का आइसोलेशन डिस्टेंस कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले एक चीज़ तो याद रखिएगा, जो फाउंडेशन सीड है ठीक है और सर्टिफाइड सीड है, तो फाउंडेशन सीड का जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, फाउंडेशन सीड का जब भी आइसोलेशन डिस्टेंस होगा तो वो सर्टिफाइड की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हमेशा दिमाग में बैठा लिया, और सर्टिफाइड का कम होता है मतलब अपेक्षा फाउंडेशन सीड के। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है अगर, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पहली जो क्रॉप है वो है कॉटन। ठीक है, कॉटन की हमें पता करना है कि आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। तो देखिए, कॉटन को हिंदी में कहते हैं कपास। ठीक है, अब कपास में जो कपास है उसे हम लोग पढ़ेंगे 50। ठीक है, अरे पा है सा है। ठीक है, और 50 में भी क्या होता है, पा सा होता है, यानी 50। ऐसे बस दो तीन बार ऐसे मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कपास 50, इस तरह से उसको पढ़िएगा। तो इस तरह से इसकी जो फाउंडेशन सीड की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है कॉटन की यानी कपास की, वो होती है 50। ठीक है, 50 होती है। सर्टिफाइड में प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको, मतलब 30 याद कर लीजिए। नॉर्मली क्या होता है कि इसका फाउंडेशन सीड का आधा होता है, 50% लगभग सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि 30 मीटर दिया गया है, तो इसको इसी के मतलब नियर अबाउट याद कर लीजिएगा कि 50 अगर इसका फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस है कपास का, तो सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस जो कॉटन की होगी वो होगी 25-30 के करीब में। तो इसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है वो है बार्ली। ठीक है, अब बार्ली है तो बार्ली के केवल बी पे फोकस करेंगे, बी पे। तो बी बार्ली का जो बी है वो इस तरह बना हुआ है, यानी इसमें छुपा हुआ है 3। ठीक है, बार्ली के बी में छुपा हुआ है 3। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि बार्ली का जो फाउंडेशन सीड की आइसोलेशन डिस्टेंस होगी वो भी 3 मीटर होती है, और सर्टिफाइड सीड जो होता है उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस बार्ली के लिए वो भी 3 मीटर ही होती है। दोनों के लिए सेम होती है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है वो है वीट। वीट का क्या करेंगे हम लोग, वीट के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो भी होता है 3 मीटर 3 मीटर दोनों के लिए। ठीक है, यानी फाउंडेशन सीट के लिए और सर्टिफाइड सीट के लिए भी 3 मीटर होता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो वीट के हमें डब्लू पे फोकस करना है। डब्लू इस तरह से बना हुआ है, इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे तो डब्लू इस तरह हो जाएगा, यानी कुछ 3 की तरह दिखने लगेगा। जब 3 की तरह दिखने लगेगा तो यही इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस हो जाएगी फाउंडेशन सीट के लिए और सर्टिफाइड सीट के लिए। ठीक है, अगला देखिए राइस है। राइस को हम लोग कहते हैं धान, हिंदी में कहते हैं धान। और जब इसको इस तरह देखते हैं तो ये भी कुछ 3 की तरह ही दिख रहा है, तो इस तरह से इसकी भी आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगी, वो भी मतलब फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओट का क्या करना है हमें, ओट में देखिए केवल 3 लेटर हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें केवल 3 लेटर हैं, यानी 3 ही लेटर है, इस वजह से इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस दोनों के लिए यानी सर्टिफाइड और फाउंडेशन दोनों के लिए 3 मीटर 3 मीटर रहेगा। ठीक है, ओनियन की जहां बात करें तो ओनियन देखिए, ओनियन में छुपा हुआ है 1। ठीक है, 1 तो क्लियर हो गया। अब देखिए
इसमें दो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो दो ओ हैं वो दो जीरो की तरह दिख रहे हैं, तो ये भी क्लियर हो गया कि वन होगा और डबल जीरो होगा यानी 100। लेकिन थोड़ा सा एक अपनी तरफ से बढ़ा देना है यानी 3 जीरो, यानी 3 जीरो इसमें होते हैं, एक वन होता है। तो इस तरह से इसको मतलब 100 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोनों के लिए सेम होता है, सर्टिफाइड के लिए और फाउंडेशन के लिए, ठीक है। चलिए अगला है, अगला जो है वो है रैप सीड और मस्टर्ड। देखिए मस्टर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सरसों, हिंदी में इसको कहते हैं सरसों, सरसों। तो हमें क्या पढ़ना है, चरसो, ठीक है। सरसों को हमें थोड़ा सा इधर उधर घुमा के पढ़ना है चरसो, सरसो या चरसो, यानी मस्टर्ड को हिंदी में कहते हैं सरसो, ठीक है। सरसों को हमें 400 पढ़ना है, 400। तो 400 यानी 400 मीटर इसका फाउंडेशन सीड की आइसोलेशन डिस्टेंस होगी, और इसका आधा यानी 200 मीटर हो जाएगी सर्टिफाइड सीड के लिए। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, अगला जो है वो है कि हम देखिए ग्राउंड नट और सोयाबीन दो चीज़ें हैं। अब इसमें ग्राउंड नट में छुपा हुआ है ग्राउंड, और सोया में छुपा सोयाबीन में छुपा हुआ है सोया। तो अगर हमें सोना है, ठीक है, सोना है, तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो एक बेड चाहिए, ठीक है, और बेड पे क्या है, कुछ बिछाने के लिए चाहिए, ठीक है, फिर एक ओढ़ने के लिए चाहिए। इस तरह अगर हमें ग्राउंड पे सोना है तो इसी तरह 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बस इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा कि इसकी जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगी वो 3 मीटर ही होगी, ठीक है, ग्राउंड नट और सोयाबीन की। यानी सोना है, हमें सोना है, कहाँ पे, ग्राउंड पे सोना है, तो हमें क्या ज़रूरत होगा, एक बेड चाहिए, 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। बेड चाहिए, उस पर बिछाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अगला देखिए है, आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा गया है मेज़ की, सोरघम की और ओकरा की। देखिए मेज़, सोरघम और ओकरा, ओकरा को कहते हैं लेडी फिंगर। इसको जस्ट एक कहानी बनानी है आपको कि मेज़ को हमें पढ़ना है मज़े, यानी हमें मज़े करने हैं, यानी थोड़ा सा हमें मस्ती करने हैं, और सोरघम में छुपा हुआ है घूम, यानी कहीं हमें घूमने जाना है, ठीक है। और किसके साथ जाना है, किसी लेडी के साथ जाना है। तो जब ये 3 लोग क्या है, मज़े करने, घूमने, मस्ती करने, या कहीं भी घूमने टहलने गए हैं, ठीक है, लेडी के साथ गए हैं। अब देखिए, अब इसका कैसे याद करोगे कि आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर होता है। तो देखिए लिखा, देखिए ऐसे मक्का लिखा हुआ है, ऐसे हिंदी में लिखिए मक्का, ठीक है। अब देखिए जो माँ है ये कुछ 4 की तरह दिख रहा है, और जो एक का ये 0 की तरह दिख रहा है, इस का ये 0, इस तरह से इतनी जो चीज़ें हैं ये कुछ 400 की तरह ही दिख रही हैं, यानी 400। तो इसी तरह इसका आइसोलेशन डिस्टेंस जो हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा, और इसका जो आधा हो जाएगा सर्टिफाइड सीट के लिए वो 200 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अगला देखिए, 3 ऐसे हैं जिसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा था कि कुकर, देखिए कुकर बिट्स हैं, तो कुकर बिट का आइसोलेशन डिस्टेंस 800 मीटर या तो 1000 मीटर होगा फाउंडेशन सीट के लिए, सर्टिफाइड सीट के लिए 400 मीटर या 500 मीटर होगा, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक आपको क्या बनाना है, ट्रिक ये बनाना है कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कुकर लेने जाते हैं, कुकर नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है वो 800 1000, मतलब मिनिमम ऐसे मान लेना है कि 800 1000, बस इसी तरह से आपको याद हो जाएगा। टोमेटो टमाटर जो है 50 रुपये किलो ऐसे कर लीजिएगा, या 25 रुपये किलो, ठीक है, इसी तरह से याद कर लीजिएगा। बाजरा में देखिए, जो बाजरा का अगर स्पेलिंग हम लोग देखेंगे तो BAGRA, यानी ए जो है 3 बार है, तो जब 3 बार है तो ए जो है 0 की तरह दिख रहा है, यानी 3 जीरो होगा, और बाजरा है तो बस एक आगे बढ़ा लीजिएगा। इस तरह 1000 मीटर इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस हो जाएगी फाउंडेशन सीट के लिए, ठीक है, और इसकी आधी हो मतलब 200 मीटर हो जाएगा उसके लिए सर्टिफाइड के लिए। तो यही जो है ट्रिक थी, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ट्रिक आपको पसंद आई होगी।
चलिए एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।